तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी ये वीडियो खासकर डेवलपर हजरात के लिए और जो बाहर से ओवरसीज लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक दो सौदा इसमें और बाकी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है प्रॉपर्टी के बारे में। अगर आपने प्लॉट लेना वहाँ से सारा प्रोसीजर हो जाता है, तो बिला खौफ बिला झिझक अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये मेरी वीडियो है उनके लिए। तो चलें शुरू करते हैं। देखें आप लापरवाही का नतीजा, ये जो बच्चा है ये बाइक घुमा रहा था यार ब्लार, और इसकी कलाबाजी पड़ी है अभी। हम वहाँ पर आ रहे हैं जी, पंप के ऊपर खड़े हो गए, सामने प्रेशर है, जो ही नोजल लगती है प्रेशर आ जाता है, 20-30 करवाई है। ये देखें जी, ये 70 घंटा और ये मलाका गैर में दाखिल हो रहे हैं। ये सामने फौज खड़ी है, इनको चेकिंग करवा के मलाका गैर में दाखिल हो जाएंगे। सीएमएच आप डीएचए की तरफ आए तो इतना फर्क है नॉर्मल कलोनी का और डीएचए का। यहाँ पे सफाई है, ये फौजी है, ये पाकिस्तान के लाना। ये आज की मेरी वीडियो स्पेशली प्रॉपर्टी डीलर हजरात के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए। इधर डिफेंस में डीएचए हाउसिंग स्कीम में जो पहले बहुत पुरानी बनी है वहाँ पे गोल्ड प्लाजा, वहाँ पे दो शॉप्स हैं सेल के लिए आई हैं। मैं उनका करवाता हूँ आपको विजिट और उनकी बताता हूँ आपको कीमत। तो अभी जा रहे हैं हम गोल्ड प्लाजा में। ये डीएचए का मेन चौक है और ये ऊपर ब्रिज है और ये देखें ये गोल्ड प्लाजा। सारा सोना ही सोना यहाँ। ये चर्च बाहर हल्की से फूड स्ट्रीट है उसी प्लाजे के बिल्कुल साथ। जैसे बाहर निकले साथ ही एडवर्टाइजमेंट, बड़े बड़े बैनर, पाकिस्तान सिटी, डीएचए, लेक सिटीज वगैरह। और ये सीधा रोड जाता है सदर, ये रास्ता गुलबर्ग को जाता है और ये घोड़े बड़े ही पुराने डीएचए के, ये पूरा ट्रैक बना हुआ है इनका, यहाँ से ये भागते जाते हैं। ये है सामने, आज आज फ्री है के पटूरे बहुत आला बोला जी, बहुत आला। कसूरी स्वीट कॉर्नर, कसूरी स्वीट्स के नाम से सदर में दुकान है, कसूर वाले बोलते हैं उनको। उनके जो पटूरे हैं बहुत ही मज़ेदार हैं। मेरा दिल तो नहीं कर रहा था क्योंकि तेल इतनी जल्दी हजम नहीं होता, लेकिन फिर भी जब खाए तो बड़ा मज़ा आया, रबड़ी वाला दूध भी है साथ में। तो ये था इस छोटा सा फीडबैक कसूरी वालों का। अभी हम जा रहे हैं बैंक में रकम निकलवाने के लिए। रकम मेरी आई थी ईद से एक दिन पहले, नॉर्मली ट्रांजैक्शन ऑपरेट हो जाती है लेकिन पता नहीं क्यों बैंक थोड़ा सा मसला करता, तो इसलिए ईद के चार दिन बाद आप रकम निकलवाने जा रहे हैं। पाटापुर HBL की ब्रांच दलाल का यहाँ पे रेमिटेंस निकलवाने की, तीन दफ़ा मैं गया हूँ, तीनों दफ़ा इनका सर्वर डाउन है। वही सेम ट्रांजेक्शन जो है मैं UBL पे गया हूँ तो 5 मिनट लगे हैं, प्रोसीड हो गई है। लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल पेंशन वालों का बहुत रश है और इनका सर्वर काफ़ी डाउन था, 2-3 दफ़ा इन पे एरर आया। तो अपनी रेमिटेंस जब भी आपने अपने प्यारों को भिजवानी है तो ये देख लिया करें कि कुछ ज़्यादा बिजी अगर बैंक है तो उससे हटकर किसी बैंक में आप अपनी ट्रांजैक्शन भेज दिया करें। तो मेन दूसरी बड़ी बात है, इधर प्यारे वेले ही होते हैं तो जहाँ मर्जी भिजवा दें। निकलवाने के बाद एक और काम है उसकी तरफ जा रहे हैं हम। भाई ने डील करवाई है हमारी, भाई लेके दे रहे हैं प्लाट हमें, ये देखें भाई इधर मुंह करना, डिस्काउंट प्राइस पे हैं। अपने एरिया से बाहर निकलो रिंग रोड पे तो डीएचए की तरफ जाओ तो ऐसे ही लगता है बंदा यूरोप में आ गया। ये देखें सड़कों का सीन और ये, लेकिन जो भी बंदा अपने इलाके में जाता है तो वही मकर मच्छर मक्खियाँ और कट्टा मिट्टी। लेकिन ये रिंग रोड जो है ये पूरा इतना अपग्रेड हो गया है कि यहाँ की लाइफ ही और है। ये है जी जाती उम्रा के बैक साइड, यहाँ पे बिल्कुल उसकी दीवार के साथ ये है बैरिया ऑर्चर्ड फेज 2 गेट नंबर 6। ये भाई हैं, ये जब तक इनका सलाम ना हो मियाँ साहब को इनका दिन नहीं गुजरता। सताजपुरे से उठ के आते हैं ये सिर्फ दीवार को हाथ लगाने के लिए। ये बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर आके ये बैरिया की मस्जिद है, ये बैरिया की
इंडिया की एक चौंक का खूबसूरत मंजर, बैरिया में उड़ती हुई फ्लाइटें। ये बैरिया में आइकॉनिक प्रॉपर्टी के नाम से बाइक ऑफिस है, और ये भाई है सीईओ पर्सन ऑफ आइकॉनिक प्रॉपर्टी रियल एस्टेट। मतलब कि फोन कितने लिखे आए थे ताडा? बैंक अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर चल रहा है एप्लीकेशन आइकॉनिक प्रॉपर्टी के नाम पे, यहाँ पे मैंने जॉब शुरू कर दी है। ये भाई है बैरिया ऑर्चर्ड में इनका आइकॉनिक प्रॉपर्टी के नाम से दफ्तर है, और ये इनका फ़ोन नंबर है। माशाल्लाह मैंने खुद इनसे फाइलें ली हैं, अच्छे बंदे हैं, भरोसा मेरा ले लें आप। और ये डील करते हैं बैरिया में भी, और अगर आपको इर्द गिर्द कहीं पर प्लॉट लेना है तो इनसे रब्ता कर सकते हैं आप। कबीर ऑर्चर्ड, न्यू लॉर्ड सिटी, ओमेगा सिटी, इर्द गिर्द छोटी सी, सब में डील करते हैं आप। कबीर टाउन फेज वन, यहाँ से ये स्टार्ट हुई, और ये इसके सारे प्रोजेक्ट हैं, मरियम अल कबीर और ये वो, और इसका हेड ऑफिस भी यहाँ पे है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट जमा करवाने आए हैं। मैंने लिया अपने लिए एक कनाल की फाइल, ये लेके दिया वकार भाई ने। ये सामने अल कबीर ऑर्चर्ड का दफ्तर, ये देखेंगे बेशक ज़मीन अल्लाह की, अल्लाह अपने बंदों को चाहे इसका वारिस बना देता है, और यहाँ पे इसकी सारी पेमेंट्स होती हैं। ये जी अल कबीर डेवलपर्स ऑर्चर्ड, इनका नया प्रोजेक्ट है, पेमेंट हमने जमा करवा दी, यहाँ से निकल रहे हैं। ये थी मेरी आज तक की वीडियो, उम्मीद करता हूँ थोड़ी सी ये फ़ायदेमंद हो गई है डेवलपर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।